हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए, बात करेंगे यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक परीक्षा 2019 जनवरी माह में होनी है, तो चलिए रीजनिंग की तैयारी करते हैं। और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं करवाऊंगा, और सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। टॉपिक है आपका, देखिए टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है ना, टॉपिक वाइज मिलेगी। रिलेशनशिप में इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, और एनालॉगी टेस्ट में आपको इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो अपने इस चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं फ्री स्टडी के लिए, तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हर जानकारी यूपी त्रिपुरा से जुड़ी हर जानकारी समय से मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बने रहे हमारे साथ। चलिए, इस टॉपिक से रिलेटेड ये एक प्रश्न आपको मिल रहा है यहाँ पे, जिसमें दिया गया है ABC अनुपात में दिया गया है JKLM और समानुपात में दिया गया है JKLM, यानी जिस प्रकार से ये इससे संबंधित है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि इन चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन क्या होगा। तो चलिए करते हैं। देखिए, A का जो कोड होता है वो क्या होता है, A का कोड कितना होता है, A का कोड होता है 1, B का कोड क्या होता है 2, सी का कोड क्या होता है 3, डी का कोड क्या होता है 4, उसी प्रकार से जे का कोड क्या होता है, जे का कोड होता है 10, ठीक है ना। फिर जे के एल एम सभी सीरियल से आ रहे हैं, तो 11 हो गया, 12 हो गया और 13, ये सभी के कोड हो गए, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी प्रकार से हमें भाई यहाँ पर जे का कोड क्या था, 10 था, ए का कोड क्या था, 1 था, दोनों के बीच में रिलेशन क्या था, रिलेशन ये था कि अगर 1 में हम 9 को प्लस कर देंगे तो 10 बन जाएगा ना, तो यहाँ पर 10 बनाना है हमको, ठीक है ना, हमें ये मोटा मोटा सोचना है कि 10 बनाना है, ठीक है। तो J यानी 10वें नंबर पे था, तो 10 में अगर हम 9 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, यानी 19वें नंबर के कोड पर कौन सा अल्फाबेट आता है, यानी कौन एस आता है, एस आता ना, ठीक है, तो एस आता है, तो आपका एस हो गया। फिर एस के बाद क्या आएगा, देखिए सभी सीरियल से दिए, सभी सीरियल से ही ले लेंगे, तो STUV, बहुत ही आसानी से आपने ये आंसर फाइंड कर लिया, ऑप्शन नंबर 1। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में चलेंगे। और ये प्रश्न देखिए वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 2015 की भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा 6, जिसमें दिया गया है 11:17, यानी जिस प्रकार से ये इससे संबंधित है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर संख्या फाइंड करनी है इन चार ऑप्शन में से कि सही संख्या क्या होगी ये चार ऑप्शन में से। चलिए, तो ये भी देखिए 2015 की भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो सारे आपको इसी के ही प्रश्न में करवाऊंगा, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि पेपर पैटर्न कैसा आता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा 11 दिया है और 11 से किस प्रकार संबंधित है, तो कुछ ये देखिए कि ये सभी संख्याएं हैं कैसी, ये कैसी संख्याएं, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी इनको बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित ही नहीं होती, खुद से विभाजित होती हैं केवल, ठीक है ना, यानी एक से और खुद से विभाजित संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी जो सेल्फ डिविजिबल होती हैं संख्याएं, ठीक है ना, समझ आ रहा होगा ना, ठीक है, समझ आए तो जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर देखिएगा 11 के बाद 17 आ रहा है, यानी ये अभाज्य संख्या है और ये इसके अगली अभाज्य संख्या है, मतलब इसके बाद कोई अभाज्य संख्या नहीं आती, केवल यही आती है, ऐसा है क्या, नहीं, एक 13 ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, जो कि 11 के बाद 13 आती है, फिर 17, ठीक है ना। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 17 है वो दूसरी अभाज्य संख्या है, ठीक है, 11 के बाद दूसरी अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार से देखेंगे 19 के बाद अभाज्य संख्या, दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 19 के बाद देखेंगे, 19 के बाद जो पहली अभाज्य संख्या होगी वो 19 के बाद पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, 23 होगी, ठीक है ना, उसके बाद अगली जो अभाज्य संख्या होगी वो 29 होगी, तो 29 यहाँ मैच कर रहा है, ठीक है, मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी है ना, ठीक है, हाँ बी है भाई, चलो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है, जिस प्रकार से 3:10 से संबंधित है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर संख्या ढूंढनी है जो इससे संबंधित होगी, ये भी 2015 की भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए, और वनरक्षक जिसकी आप परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है ना, तो अभी से लग जाइए तैयारी में, जैसे आपने देखा जूनियर असिस्टेंट का एडमिट कार्ड कैसे आया 4 दिन पहले, अब परीक्षा पोस्टपोन हो गई, किस वजह से, नागरिकता संशोधन की जो झगड़े हो रहे हैं उस वजह से, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोग लगे रहिए क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो जनवरी माह में करवा दी जाएगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिएगा 3 जिस प्रकार 10 से संबंधित है, ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, आप ये देख रहे होंगे 3 है, फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें 3 का अगर वर्ग कर लें,
वर्ग कर ले तीन का, तो तीन का वर्ग अगर करेंगे तो कितना होता है, नौ होता है। नौ में अगर एक को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, दस आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम पाँच का करते हैं, पाँच का वर्ग करेंगे कितना होता है, पच्चीस होता है, और पच्चीस में एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा, छब्बीस आएगा। ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर एट है, ठीक है। मैं इस टाइप के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा जो कि 2015 में पूछे गए प्रश्न, ठीक है ना। 2015 में इस टॉपिक से देखिए कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख रहे हैं आपके सामने, ठीक है। कोई फर्जीवाड़ा नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए आप खुद सामने अपने देख रहे हैं, ठीक है ना। भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए तो यहाँ देखेंगे भाई किया कैसे किया है, करना कैसे है, आसान तरीका क्या है, सही ऑप्शन क्या है, उसके लिए हमारे साथ जरूर बने रहें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है डी डी एफ ई, डी डी एफ ई, फिर अनुपात का साइन है, फिर डी एफ ई ई है, ठीक है। उसके बाद में समानुपात है, और यहाँ पर जे जे है, सी आर है। तो हमें पहले ये देखना होगा इसका रिलेशन इस प्रकार किस प्रकार से है इससे, ठीक है। उसी प्रकार से हमें इसका भी रिलेशन यहाँ पर फाइंड करना है, फिर ऑप्शन मैच करना है कि हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा, ठीक है ना। चलो भाई यहाँ पर देखिए कैसे करना होगा, आप यहाँ पर इसको कोडिंग कर लीजिए, थोड़ा सा आसान करते हैं, कोडिंग कर लेते हैं। हमने इसका कोडिंग कर लिया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये वन है, ठीक है, ये टू कर लिया, मतलब ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर, ये चौथे स्थान पर। अब यही यहाँ पर ये पहले स्थान पर आ रहा है, फिर तीसरा वाला आ रहा है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि ई ई आ रहा है, यानी चौथा वाला क्या हो गया, रिपीट हो गया, चौथा वाला रिपीट हो गया, ठीक है। चौथा वाला यहाँ पर रिपीट हो गया। उसी प्रकार से हम यहाँ पर आएंगे, इसकी कोडिंग करेंगे, वन टू थ्री और ये फोर। थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, वन है दूसरे स्थान पे है, ये सी तीसरे स्थान पर, आर चौथे स्थान पे। इसी प्रकार से अगर कोडिंग करते हैं, वन थ्री फोर फोर, मतलब अगर इसके इसको फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करेंगे तो पहले स्थान पर कौन आ रहा था, जे, तो यहाँ पे जे कर लिया। तीसरे स्थान पर कौन है, सी, तो सी कर लिया। फिर क्या हो रहा है, आर रिपीट हो रहा है, क्या ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, जे सी आर आर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, अगला क्वेश्चन आप इस प्रकार से देख रहे हैं, इसमें रिलेशन बताना है कि जीव, सॉरी जीवन मृत्यु से, ठीक है ना। तो आस जो है इन चार ऑप्शन में से कौन सा सुटेबल होगा, यहाँ पर जिस प्रकार से जीवन मृत्यु से संबंधित है, उसी प्रकार से इन चारों में से जो आस आशा है, ठीक है ना, आशा है वो किस प्रकार से संबंधित होगा, ठीक है। तो आशा इस प्रकार किससे संबंधित है, निराशा से, ठीक है, क्योंकि जीवन का अपोजिट दिया है मृत्यु, तो आशा का अपोजिट क्या हो जाएगा, निराशा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आनंद तो होगा नहीं, दर्द भी नहीं होगा, दुखी भी नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे, अगला क्वेश्चन 10 नंबर, यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सी श्रृंखला, एक श्रृंखला दी गई है आपको, 1050 210 और 42, श्रृंखला में समतुल्य है, समतुल्य है पूछा है, ठीक है। मतलब जिस प्रकार से ये श्रृंखला दी गई है उसी प्रकार के समतुल्य, यहाँ पर कौन सी श्रृंखला इसके समतुल्य है, मतलब समान है, ठीक है ना, मतलब रिलेशन उसी प्रकार से समान होना चाहिए जिस प्रकार से इस श्रृंखला का आपस में है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे भाई कौन सी श्रृंखला में समतुल्य है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और अक्सर रॉन्ग भी हो जाते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए कैसे कर पाएंगे आप इसको, अगर ये देखिए बड़ी संख्या है और इससे अगर हम घटाते हैं तो इतना तो चलिए ठीक है हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से बहुत छोटी संख्या हो गई। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1050 के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पर क्या दिया जा रहा होगा, भाग दिया जा रहा होगा। जब छोटी एक होती है, बहुत छोटी संख्या हो जाए इसकी तुलना में, ठीक है ना, तो फिर क्या करना, वहाँ पर ये सोचना होगा कि वहाँ पर भाग हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पाँच से इसको डिवाइड करें, तो पाँच से अगर डिवाइड करेंगे तो पाँच दूनी दस हो गया, और पाँच कम पाँच यानी 210 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम पाँच से इसको भी डिवाइड करते हैं तो पाँच चुको 20, ठीक है ना, और पाँच दूनी 10 यानी इस प्रकार से 42 भी आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फॉलो करते हैं, क्या बिल्कुल वो सही होता है, तो चलिए देखेंगे पहले वाले में चलते हैं। तो ये तो पाँच से डिविजिबल है, लेकिन ये पाँच से विभाजित संख्या नहीं है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये हो सकता है। तो पाँच से इसको भाग देंगे तो 25 तो आ जाएगा, लेकिन जब हम पाँच से 25 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पाँच आएगा, जहाँ पे 6 है तो 5 आएगा, तो ये फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, पाँच से इसको भाग देंगे, ठीक है, तो 15 तो आ जाएगा, और पाँच से फिर हम 15 को भाग देंगे अगर, तो फिर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 5 3 15, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना, समझ आ रहा है सभी को।
चलिए फिर अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिया गया है, इसमें भी आपको करना है फाइंड द रिलेशन बिटवीन द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको मत देखिएगा, ठीक है। चलिए दिया गया है, ये वर्ड इस वर्ड से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से ये वर्ड किस वर्ड से संबंधित होगा, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, क्योंकि आंसर लिखा हुआ है, देख लेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा भाई समझने में और समझाने में भी, ठीक है ना। चलो भाई देखो, यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है ना कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इसका रिलेशन आप ढूंढेंगे, तो रिलेशन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो के कौन से नंबर पे आता है, के आपका कौन से नंबर पे आता है और ये तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो के का जो नंबर होता है वो होता है 11, के 11वें नंबर पे आता है और सी आपका तीसरे नंबर पे आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या मैच कर रहा है, क्योंकि ये पहले नंबर पे हो रहा है, फिर ये आपका 9वें नंबर पे आई आता है, ठीक है, 9वें नंबर पे आई आता है। तो यहाँ पर रिलेशन मज़ा नहीं आ रहा रिलेशन में, ठीक है, मतलब गड़बड़ जा रहा है। तो इसको आप क्या कर लीजिए कि यहाँ पे आ रहा है ये ऐसे इस प्रकार से देखिए कि यहाँ पे आ रहा है, फिर आई आ रहा है, फिर आपका टी आ रहा है, ठीक है। मतलब इस प्रकार से आप इसको समझिए कि सब कुछ तो इसी में ही दिया गया है, हमें कुछ करना नहीं, हमें समझना है क्वेश्चन को। पहले के है, फिर आई है, फिर टी है, फिर यहाँ से ये रिपीट होने लगा, ठीक है। जो दिया गया है इसको पहले ही उठा के रख दिया गया, तो यहाँ पर जो ये दिया गया है इसको पहले उठा के रख दो, टी ओ टी, ठीक है। उसके बाद में क्या करो, फिर इसको ले लो, किसको, जो आगे वाला है इसको पीछे से ले लो, एन ई और पी, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, टी ओ टी एन ई पी। तो ये कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में, ए में नहीं दिया गया, ये ऑप्शन नंबर दिया गया है टी ओ टी होना चाहिए था ना, ऑप्शन आपका रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है ना, ऑप्शन रॉन्ग दिया है यहाँ पे, समझ लीजिए ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग दिए गए, होना ये चाहिए था यहाँ पे टी होना चाहिए था, ठीक है ना, तो एन ई पी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन रॉन्ग दिए गए हैं, सभी ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन आपका रॉन्ग दिया है, तो ऑप्शन को छोड़ो, इधर समझो कि आपका सही आंसर क्या होगा। यहाँ मिसप्रिंट हो सकता है या, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, धन्यवाद, बड़े दिखला बदी शुभ, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।